आज बड़ा ही चटपटा मजेदार सा शो, क्योंकि मैंने आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज को उन कैरेक्टर्स में बुलाया है जो वो रोल अदा करती हैं. कभी भाभी बनती हैं, कभी नंद बनती हैं. किसी ड्रामे में आपको उनका कोई कैरेक्टर अच्छा लगता है, किसी ड्रामे में उनका आपको कोई कैरेक्टर अच्छा लगता है. आज हम उन ड्रामों को जमा करके, चाहे वो किसी भी चैनल के ड्रामे हों, और इस प्यारे से रिश्ते की साथ मस्तियां करेंगे. तो आज का प्रोग्राम होने वाला है जाम पैक. पहली भाभी को मैं बुला रही हूँ, जिनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में देखते हैं, कभी नंद बने हुए, कभी भाभी बने हुए. आज वो एज भाभी आ रही हैं, लेकिन मुझे प्यार के सदके में एज नंद उनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा. और असल जिंदगी में भी ऐसी नंदें होती हैं जो बड़ी सपोर्टिव होती हैं अपनी भाभियों के लिए. भाई अगर लड़ते हैं तो उनका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है, या उनको समझा रही होती है कि रिलेशनशिप बेहतर करने के तरीक़ेकार क्या हैं. और ये भाभी कैसी बनी है ये मैं पूछती हूँ. आखिर कब तक मैं ये भाभी का कैरेक्टर अदा कर रही हैं? मेरे शो पे काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर आज बन के आ रही हैं भाभी सिरा असगर हमारे साथ. इतना सादगी में हम ड्रेसअप होते हैं. हाँ, मैंने अच्छा कोई तीन महीने बहुत सादगी से ड्रामा किया था. लेट्स टाइम टू ग्लैम अप. पता है मैं जैसे मैं ड्रामे काफी देखती हूँ ना सिरा, और मुझे मैं कहती हूँ सिरा को कोई भी कैरेक्टर दे दो ना, इतने मजे की एक्टिंग करती है. प्यार के सदके में भी तुम्हारा इतना जबरदस्त रोल था, और जो भी तुम कैरेक्टर्स करती हो तो ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है कि आप जो कैरेक्टर करती हो वैसी लगने लगती हो. मासूम भोली बनी हो तो वैसी लग रही हो. उसमें तेज थी कि पट्टियां पढ़ा रही थी अपनी भाभी को, तो या बड़ा मजेदार. आई थिंक कैरेक्टर करने से पहले आई थिंक पूरी टीम का भी हाथ होता है वो. हाँ. हम बहुत ब्रीफिंग वगैरह करते हैं. हाँ. बैठते हैं, बनाते हैं कैरेक्टर को, उसके बाद करते हैं. सो आई थिंक वो ज्यादा कमाल होता है. इस ड्रामे में तुम जो भाभी बनी हो बड़ी पॉजिटिव और अच्छी वाली भाभी है. अच्छी भी है, लेकिन मेरा एक्चुअली कैरेक्टर है कि वो बहुत डरी भी है. अच्छा. सो वो डरी भी भाभी. हाँ, तो वो स्टैमर भी बहुत करती है. सो उसका बोलने का स्टाइल ये है कि वो उसने जिंदगी में इतना कुछ देखा हुआ है कि वो सिर्फ स्टैमर करती है. तो अगर वो भाभी भी है तो वो इतनी डरी हुई है, वो कमरे से निकलती नहीं है. तो घर वाले परेशान होते हैं, कौन है, किसको ले. जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी भाभियाँ होती हैं. अगर तीन भाइयों की शादी हुई तो एक भाई भाभी ऐसी होती है जो जरा बोलने में कम है, कम वो है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट इतनी नहीं है. ट्रू. पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%.